छत्तीसगढ़ राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अहम खबर के साथ। आज छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत की। अमित शाह ने जांजगीर चांपा में विजय संकल्प शंखनाद रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए मोदी सरकार के कामों को गिनाया और लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। मिशन छत्तीसगढ़ पर पहुंचे अमित शाह ने जांजगीर चांपा से चुनावी शंखनाद किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीब जनता के साथ अन्याय किया, अब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। यहां की पिछली सरकार को जनता ने नकार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर में सालों से परेशान करने वाला 370 का नासूर हमने खत्म किया और भारत को दुनिया के तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बनाई। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहुमती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जिन्होंने ना नक्सलवाद पर लगाम कसी, ना छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिया और लाखों करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का काम। आम सभा से पहले अमित शाह ने कोंडागांव में क्लस्टर प्रभारियों के साथ बैठक की और जीत का मंत्र दिया। शाह जी की उपस्थिति अपने आप में बैठक को बहुत गंभीर बनाती है। लोकसभा की दृष्टि से ये संभव है कि बस्तर का इलेक्शन पहले राउंड में हो जाए, जैसा पिछले लोकसभा में हुआ था। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो ये मान रही है कि विधानसभा में बीजेपी को वोट देकर जनता पछता रही है। साथ ही कांग्रेस ने ये भी कहा कि अमित शाह के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का 2 महीने का कार्यकाल है, इससे महिलाएं भी दुखी है, किसान भी दुखी है, युवा भी दुखी है, और अमित शाह जी के आने से भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इतना कहूंगा कि इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो पछता रही है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर। तो विधानसभा के रण के बाद अब लोकसभा के चुनाव की बारी है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। अब देखना होगा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देने वाली जनता क्या लोकसभा में भी कमल का साथ देगी। वही कांग्रेस हार की हताशा के बाद लोकसभा की तैयारियों में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो एक तरह से शंखनाद जो है कर दिया है अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने कहा कि 11 की 11 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे और साथ ही पिछली सरकार को जवाब जनता ने दे दिया है। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी, पूर्व बीजेपी के विधायक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आज शंखनाद हो गया बीजेपी की तरफ से और सीधे तौर पर चुनौती दे दी गई है अमित शाह की तरफ से, जिन्हें बीजेपी का रणनीतिकार माना जाता है, कैसे देखते हैं आप? अंशिका जी, अपने जुमलों को मोदी की गारंटी बताने वाले भाजपाइयों को छत्तीसगढ़ की जनता आगामी लोकसभा चुनाव में जवाब देगी। जिस तरह से ये कह रहे हैं, जिन वादों को पूरा नहीं करने पर, ये वादा खिलाफी पर इन भाजपाइयों को माफी मांगनी चाहिए, उनको उपलब्धि बता रहे हैं। किस आर्थिक तरक्की की बात करते हैं? ये ऐतिहासिक तथ्य है अंशिका जी कि मोदी राज में देश में अर्थव्यवस्था उल्टे पांव भाग रही है। 30-30 बड़े सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए, बैंक बेच दिए, रेल बेच दिए, जिस तरह से बंदरगाहों को बेचा जा रहा है, बनाए कुछ नहीं, ऊपर से 54 लाख करोड़ का कुल कर 205 लाख। आज रैंकिंग में 5वीं से 4थे स्थान पर है, क्या आप इस बात से खुश नहीं है? ना अंशिका जी, आज का है क्या? ये तो मनमोहन सरकार की उपलब्धि थी। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज बनी है क्या? मोदी राज में बनी है क्या? ये तो मनमोहन सिंह के दौर में बनी थी, जिसका झूठा श्रेय ये ले रहे हैं। मूल बात, जो जो विधानसभा चुनाव के समय भाजपाइयों ने वादा किया था, चाहे 3100 रुपए एक मुश्त देने का बात किसानों से किए थे, धान का समर्थन मूल्य, हर गांव में भुगतान केंद्र खोलने की बात कही थी, महतारी बहनों को 1-1000 रुपए महीना देने का वादा था इनका, सारे वादे इनके जुमले घोषित हो गए।
जो पूर्ववर्ती सरकार बजट प्रावधान करके गई थी अंशिका जी, जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था वो तक खा गए, नवंबर महीने के बाद से आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त, जिसका बजट प्रावधान पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने किया था, उसको भी खा गए, तो किस गारंटी। लेकिन इस बार भी तो बजट में मातारी वंदन योजना का जिक्र किया गया, उसके लिए भी तो बजट पेश किया गया। बजट प्रावधान से हितग्राहियों का लाभ हो जाता है क्या अंशिका जी? पैसा किसी हितग्राही को नहीं मिला। 18 लाख पीएम आवास की बात करते हैं, 1 रुपया भी किसी हितग्राही को। चलिए ठीक है, श्रीचंद सुंदरानी जी से जवाब। श्रीचंद सुंदरानी जी, आज बिगुल बज गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और बीजेपी के रणनीतिकार जिसे कहा जाता है, अमित शाह ने आज जांजगीर चांपा से शंखनाद कर दिया है। क्या आप जांजगीर चांपा को चुनौती मानते हैं? इसलिए शुरुआत यहीं से की आपने। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आ रही आवाज। निश्चित रूप से हम हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हम कांग्रेस जैसा टेम्पररी चुनाव नहीं लड़ते, हम 5 साल तैयारी करते हैं। हमारे पन्ना प्रमुख तक 30-30 मतदाताओं के पीछे एक प्रभारी हमारा बना है। एक पन्ने में 60 मतदाता होते हैं, दो साइड का पन्ना होता है, उसमें हमने 30-30 मतदाताओं तक के पन्ना प्रमुख बना दिए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी तैयारी है, हम किसी भी चीज से विचलित नहीं होते, हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और निश्चित रूप से हमारी तैयारी जो है, और माननीय अमित शाह जी ने आज शंखनाद किया है, हम 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेंगे। अभी मैं भाई सुरेंद्र वर्मा जी को, जांजगीर की सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन यहां पर बीजेपी के लिए चुनौती तो है। ऐसे में सुरेंद्र जी, सवाल आपसे भी है कि इस सीट को कैसे बचाए रखेगी कांग्रेस? देखिए अंशिका जी, वर्तमान में जो है कांग्रेस के 2 सांसद है, एक बस्तर से, दूसरे कोरबा से। और जहां तक बात आपने जांजगीर की कही, जांजगीर ऐसा लोकसभा है जहां वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार में भले हो, लेकिन जांजगीर लोकसभा में इनके एक भी विधायक नहीं है। और आज विधानसभा में रायगढ़ में एकमात्र विधायक है। राजनांदगांव लोकसभा के भीतर केवल रमन सिंह इकलौते विधायक है भाजपा के। यही स्थिति महासमुंद में है, केवल 2 विधायक है। तो अनेक सीटों में ये आरएसएस का सर्वे इनको ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जांजगीर चांपा, रायगढ़, राजनांदगांव, महासमुंद सहित कई लोकसभा चुनाव में बेहद खराब है। और यही कारण है इनको अपने कार्यकर्ता और नेताओं से पे भरोसा नहीं है, इसीलिए तो प्रत्येक बूथ में ये खोल रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता कहीं से दबाव पूर्वक, तो क्या इस बार भी युवा चेहरा को मौका देगी कांग्रेस मध्य प्रदेश की तरह? निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है पूरी तरह से तैयार है, और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर पे है। पैनल के नाम भेजे गए हैं, युवाओं को बड़ी संख्या में मौका मिलेगा, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वादा के खिलाफ। श्रीचंद सुंदरानी जी, सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव में मातारी वंदन योजना, जो कि काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ, बहुत ज्यादा, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी था बीजेपी के लिए, क्या इसी पॉइंट को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए भी उतर रही है? निश्चित रूप से आधी आबादी है छत्तीसगढ़ में भी हमारी बहनों की, माताओं की, और मातारी वंदन योजना ने हमें विधानसभा में भी बहुमत दिलाया, लोकसभा में भी 11 सीटें जिताने में मदद करेगी। जहां तक वादों की बात है, मोदी जी की गारंटी की बात है, हम लगातार मोदी जी की गारंटी में जितने भी वादे किए थे मोदी जी ने, वे सारे पूरे करने जा रहे हैं। हम 3100 रुपए भी देने जा रहे हैं, धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए देने जा रहे हैं। वहीं हम मातारी वंदन योजना में 70 लाख से अधिक फॉर्म भर चुके हैं, हम उनको भी ये राशि मार्च के पहले हफ्ते में 8 तारीख के आसपास देंगे। इसके अलावा तेंदू पत्ता तोड़ने वालों को प्रति मानक बोरा 5500 रुपए देने की बात की है, निश्चित रूप से वो भी शुरू कर दिया है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख मकान बनाने की घोषणा कर दी है। तो निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी थी, और ये डबल इंजन की सरकार है, जनता का भरोसा है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का पैसा लूटा है भ्रष्टाचार के रूप में, हर विभाग में भ्रष्टाचार करके कांग्रेस ने इस छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम किया,
जहां 15 साल डॉक्टर अमन सिंह जी की सरकार ने विकास किया था, उसको तहस नहस करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ठीक है, अभी वो दिव्या सपना है उनके लिए वापस। ठीक है, एक जवाब सुरेंद्र जी से भी, सुंदरानी जी आती हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी, सवाल ये कि जांजगीर वो इलाका जहां पर विधानसभा की जो सीटें हैं कुल 8 सीटें, वो अभी कांग्रेस के कब्जे में, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस की क्या तैयारी है? अंशिका जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी को लेकर जनता के बीच है। जिस तरह से ये केवल और केवल ठगने का काम किया, अभी सम्माननीय पूर्व विधायक है सुंदरानी जी, ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 महीना हो गया, कौन से वादे को किस वादे को इन्होंने पूरा किया? 18 लाख पीएम आवास का ये झूठ फैलाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने एक भी नया आवास विष्णुदेव साय सरकार के प्रस्ताव पर स्वीकृत नहीं किया है। महतारी बंधन योजना के फॉर्म ये भरवाए, चलते चुनाव में जो फर्जी फॉर्म भरवाए गए थे छत्तीसगढ़ की माता बहनों से, उनसे बैंक खाते मांगे गए, उनके दस्तावेज, उनके आधार कार्ड मांगे गए, वो 70 लाख फॉर्म कहां है बता? उनके खाते में तो सरकार बनते ही पैसा आना चाहिए था। 4-4 अनुपूरक बजट ये ले आए, 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ले लिए, लेकिन किसी भी हितग्राही को एक नया पैसा नहीं दिए। और इनका राजनीतिक पाखंड देखिए अंशिका जी, छत्तीसगढ़ में 1,04,00,000 महिला मतदाता है, लेकिन बजट प्रावधान महतारी बंधन के लिए केवल 3,000 करोड़। इसका मतलब यह है कि हर महीना केवल 250 करोड़। 250 करोड़ से तो 25 लाख महिलाओं को भी नहीं दिया जा सकता। तो इनका यह षड्यंत्र है छत्तीसगढ़ की 70% महिलाओं को इस योजना से बाहर रखने का। तो भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र का जवाब जो है छत्तीसगढ़ की माता बहने भी देंगी, और कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की वादा के लिए 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, जो किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, जो एमएसपी का वादा था, जो श्री चंद सुंदरानी जी, सवाल ये कि जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, अभी मौजूदा समय में भी विधानसभा चुनाव के समय में जो वादा किया उसे पूरे तरीके से धरातल पर नहीं देखा गया, ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल सरकार चलाई है, 36 वादे किए थे, 6 वादे पूरे नहीं किए। जब हम सवाल करते थे तो 5 साल की सरकार बताते थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस की मानसिकता देखिए कि 3 महीने में सरकार के सामने सवाल खड़ा कर रही है कांग्रेस पार्टी, जबकि कांग्रेस पार्टी वास्तविकता जानती है कि 8 मार्च तक महतारी वंदन योजना का पैसा बैंक खाते में चला जाएगा, किसानों को 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य मिले इसके लिए बजट में प्रावधान कर दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख मकानों का पैसा बजट में प्रावधान कर दिया है, अनुपूरक बजट के माध्यम से पूरा किया। तो निश्चित रूप से आप देखिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, और 3 महीने में ही इनको सब्र नहीं आलोचना करना शुरू किया। अरे भाई, अभी 15 दिन इंतजार करिए, मार्च महीना आ जाने दीजिए, आप छुपते फिरोगे जनता। लेकिन एक बात बताइए श्रीचंद सुंदरानी जी, इस बार बीजेपी की सुनामी आ गई थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस सुनामी का कहीं से भी सा नहीं दिखाई दिया जांजगीर चांपा में, क्योंकि 8 की 8 सीटें चली गई कांग्रेस के पास में। तो आप इस बार इतने श्योर कैसे हैं कि जांजगीर चांपा में बीजेपी झंडा फहराएगी अपना? देखिए, हमारा पहले भी सांसद जांजगीर चांपा में है, और इस बार भी हमारा ही सांसद आएगा, बल्कि इनके पास जो 2 सीटें थी ना, वो भी सीटें हमारे पास आएगी। एक बस्तर की सीट इनके पास थी, दूसरी 2 सीटें इनके पास है, दोनों की दोनों सीटें हमारे पास आने वाली है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया श्री चंद सुंदरानी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र वर्मा जी। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि आखिर चुनाव में क्या होता है, और चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे न्यूज 18 की खबर का, बड़ा असर हुआ है रायपुर में, पूर्व मंत्री शिव डहरिया और उनकी पत्नी को झटका लगा है, अवैध कब्जे पर नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है, 72 घंटे में सामुदायिक भवन खाली करने का निर्देश दिया गया। डहरिया ने MIC से मंजूरी मिलने का दावा भी किया था, डहरिया के दावे को निगम ने खारिज कर दिया और कहा कि बंगले को खाली कर दिया जाए। विवादों में डहरिया परिवार, जिसमें कि कुछ समय पहले जैसे ही सरकार गई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की,
तो बंगले को लेकर सवाल उठे थे कि शिव डहरिया के बंगले से महंगी चीजें गायब हो गई है और अब उनकी पत्नी पर आरोप लग रहे हैं। इन सब के बीच झटका लगा है पूर्व मंत्री शिव डहरिया और उनकी पत्नी को। अवैध कब्जे पर नगर निगम ने नोटिस जारी किया और 72 घंटे का वक्त दिया है। ममता लांजेवार सहयोगी साथ जुड़ गई है। ममता, 72 घंटे है सिर्फ, सामुदायिक भवन को खाली करना होगा और क्या निर्देश जारी किए गए? बिल्कुल, देखिए ये नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में कहा गया है कि आप जो है 72 घंटे के भीतर भवन को कब्जा मुक्त कर दीजिए। राष्ट्रीय सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं शकुन डहरिया, पूर्व मंत्री की पत्नी है शिव डहरिया की और नगरीय प्रशासन मंत्री ये रहे हैं और निगम ने भवन में समिति के आधिपत्य को विधि विरुद्ध बताया है। नोटिस में कहा कि राष्ट्रीय सद्भावना समिति को नहीं दिया गया आधिपत्य और उन्होंने इस दावे को, निगम के नोटिस को भी शिव डहरिया के दावे को खारिज किया कि MIC की स्वीकृति मिलने का उन्होंने दावा किया था और कहा था कि इसमें सामान्य जो सभा है उसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन निगम का जो नोटिस है उसमें उससे साफ तौर पे हो गया है कि अगर MIC से भी आपको स्वीकृति मिलती है, प्रस्ताव पारित होता है, तो उसके बाद उसको सामान्य सभा में रखना पड़ेगा और सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित होता है उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगा। दूसरी बात अगर बात करें तो कल जो BJP के जो तमाम पार्षद हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने सवाल उठाया था कि कौन से अधिनियम के तहत जो है कि कौन से ऐसा ऐसी राहत है जिसके तहत एक सामुदायिक भवन को एक निजी NGO को सौंप दिया गया और आरोप ये भी लग रहे हैं कि इस सामुदायिक भवन में जिसको शादी हो, 13वीं हो, बच्चों का बर्थडे मनाना हो और भी सामाजिक काम हो उसके लिए बनाया गया है, तो उसमें कितने काम ऐसे किए गए। जब निजी NGO को सौंपा गया तो जाहिर तौर पर निजी NGO के ही जो काम है वो वहां पर हो रहे हैं। तो ये विशेष सुविधा जो है वो शकुन डहरिया को क्यों दी गई, क्यों उनको ये उनकी जो NGO है उसको ये दिया गया, फैसिलिटीज जो वहां पर जुटाई गई है वो क्या निगम की संपत्ति है, ये तमाम चीजों पर सवाल उठा। यहाँ पर डहरिया साहब तो ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें MIC से मंजूरी मिल चुकी थी, लगातार वो यही दावा कर रहे हैं। किस आधार पर फिर वो दावा कर रहे थे? शिव डहरिया जो है वो MIC का लेटर भी उनके पास में था, जो शुरुआती लेटर है वो उसको दिखा रहे थे, कह रहे थे कि महापौर ने खुद साइन किया है। महापौर की का जो कल बयान आया था तो महापौर जो पीड़ित सवालों के कटघरे में है कि क्या उन्हें उनके साइन दस्तखत है, फिर वो क्यों कह रहे थे कि भाई इस मामले की जांच कराई जाएगी। ठीक है ममता, मैं वापस आपके पास आऊंगी। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, BJP के प्रवक्ता। राजीव जी, ये क्या हो रहा है, डहरिया परिवार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कभी बंगले को लेकर खुद शिव डहरिया सवालों के घेरे में, तो अब भवन को लेकर उनकी पत्नी। देखिए बहुत गंभीर मामला है, सार्वजनिक उपयोग के लिए एक भवन था, सामुदायिक भवन, जिसे डहरिया परिवार द्वारा कब्जा करके उस पर अतिक्रमण कर लिया गया। आम इंसान जब कोई छोटे मोटे अपना काम करने के लिए फुटपाथ पर अपना सामान बेचता है तो बड़ी बेदर्दी से नगर निगम के कारिंदे उसे जब्त कर लेते हैं और उसके ऊपर बहुत जबरदस्त फाइन ठोक देते हैं जिससे उनकी आजीविका नहीं हो पाती है। एक मंत्री, नगरीय निकाय मंत्री होने के बाद सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण कर लेना, उसे कब्जे में कर लेना बहुत गंभीर बात है और आपके चैनल ने इस मसले को उठाया, आपको साधुवाद देता हूं और बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। लेकिन सामुदायिक भवन है ये, कोई पर्सनल भवन तो है नहीं कि इस पर कब्जा कर लिया जाए। सरकार अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रही है और हमने देखा भी है पीले पंजे खूब चल रहे हैं, यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? यहाँ पर उसे राजसात कर लिया जाएगा और वापस इसे जनता के लिए खोला जाएगा, जो गरीब मध्यम वर्ग की परिवार है जो विवाह के लिए लेना चाहते हैं और उसी पर्पस में ही उसे बनाया गया था। और देखिए ये कांग्रेस का सूरत हाल है कि जो सार्वजनिक स्थल है इन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। ये तो एक मामला जो प्रकाश में आया, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। पूर्व मंत्री जो कांग्रेस के थे वो सरकारी जमीनों पर अपने कॉलेज खोल डाले हैं, अपने बहुत सारे अतिक्रमण कर लिए हैं। ये बहुत गंभीर मामला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर नकेल न कसने के लिए लगातार वो केस। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, सवाल ये कि आखिर क्यों इस तरीके से डहरिया परिवार मामलों में बीच में सामने आ रहा है? पहले बंगले को लेकर सवाल ये उठे थे कि शिव डहरिया के बंगले से महंगी चीजें गायब हो गई है, नल, लाइट, AC वहां पर कुछ भी नहीं था और अब इस भवन को लेकर उनकी पत्नी पर। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई काम नहीं रह गया ऐसा लगता है। अरे भाई, सरकार आपकी बन गई है, आप अपना काम कीजिए। मेरे को जो जानकारी है उसके हिसाब से उस भवन का आवंटन उनकी श्रीमती के नाम से, उनकी जो समूह है उसके नाम से किया जा चुका है, विधिवत कानूनन किया गया है। अगर उसको रद्द करना है तो कानून नगर पालिका को, नगर निगम को अधिकार है अपना काम करे, उसको रद्द कर दे। मगर उसमें जगह कब्जा है, इस तरह का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। पार्टी को
नेताओं को बदनाम करने की कोशिश है जो कुछ भी है। सुरेंद्र जी, अगर ये आरोप होते तो 72 घंटे का वक्त नहीं दिया जाता कि सामुदायिक भवन को खाली कर दिया जाए MIC की तरफ से? ये तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो विधिवत नहीं होता तो उसको खाली करने का आदेश किया है निगम ने, तो उनको 72 घंटे का टाइम दिया है। भाई उसमें सवाल ये है कि अगर बेजा कब्जा था तो उनके खिलाफ फिर आपराधिक मामला क्यों नहीं बन रहा है? चलिए ठीक है, समय की कमी है मेरे पास, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया और राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18।